हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो यार सबसे पहले तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीटी सैन एंड्रियास के ट्यूनिंग मोड के बारे में। ट्यूनिंग मोड इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी गेम के अंदर ट्यूनिंग करा सकते हैं कार की। लाइक हम लोग व्हील चेंज कर सकते हैं, स्पॉयलर लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके के स्टेयरिंग इंजन फिट कर सकते हैं, कार कलर चेंज कर सकते हैं, हेडलाइट कलर चेंज कर सकते हैं, और भी काफी ज्यादा फीचर्स हमें इस मोड के अंदर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। लिंक हर एक चीज का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। ये आप लोग देख सकते हो पूरा, आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, आरजीबी का पूरा सर्कल दिया है, हर कलर है इसके अंदर। इसके अलावा इंजन चेंज करा सकते हो, बहुत कुछ आप लोग इसके अंदर कर सकते हो, डैग भी लगवा सकते हो गाड़ी के पीछे। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ डाउनलोड का बटन है, आप लोगों ने यहाँ से दबा के डाउनलोड करोगे तो आप लोग शेयर लिंक पे पहुंच जाओगे। यहाँ से आप लोगों को उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा हमें जो जरूरत पड़ेगी वो है एंड्रियास एसेंशियल पैक, मतलब जो कि हमारे बेसिक मोड होते हैं। अगर आपको नहीं पता बेसिक मोड क्या है या एसेंशियल पैक क्या है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा बेसिक मोड की, आप लोग जाके वो देख लेना। आई बटन पे भी दे दूंगा और आपने इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। लेकिन मैं पहले से इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो उसको मैं डायरेक्ट दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ट्यूनिंग मोड को इंस्टॉल करूंगा क्योंकि मैं एसेंशियल पैक डाउनलोड कर चुका हूँ, इंस्टॉल भी हुआ है मेरी गेम के अंदर। तो ये हमारा ट्विनिंग मोड है जिससे हम अपनी कार की ट्विनिंग करा सकते हैं। तो हमें अपनी क्या करना है, जीटी सैन एंड्रियास का फोल्डर खोलना है। तो मैं चले जाता हूँ, यहाँ मेरा आई में इंस्टॉल है जीटी सैन एंड्रियास, ये मेरा जीटी सैन एंड्रियास का फोल्डर आ चुका है और ये हमारा ट्यूनिंग मोड है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। लैंग्वेज दो दी हुई है, इंग्लिश और पोर्टुगेज, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन में चले जाते हैं और जितनी भी फाइलें सारी हम लोग यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं जीटी सैन एंड्रियास के फोल्डर में। मैं पहले से हुआ है इसलिए रिप्लेस का कह रहे हैं, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद अपने बैक आना है और बोनस फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पर आपको एक फोल्डर देखिएगा पार्ट्स नाम का, पार्ट्स में चले जाना है और आपने इस फाइल को बाहर निकाल लेना है। ये फाइल का नाम होगा टी एम पी रॉकस्टार पार्ट्स, आपने इसको ओपन करना है। टी एम पी रॉकस्टार पार्ट्स के अंदर चले जाना है और ये आपको मोड लोडर का फोल्डर दिखेगा। आपने मोड लोडर के फोल्डर में जाना है और जो ट्यूनिंग मोड पार्ट्स है ना, आपने इसको मोड लोडर के फोल्डर में डाल लेना है। अगर आपने एसेंशियल पैक इंस्टॉल किया होगा, मेरी बेसिक मोड वाली वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा मोड लोडर फोल्डर कहाँ पर आएगा, अदरवाइज आपकी गेम में नहीं होगा। तो आप लोग वो बेसिक मोड की वीडियो लाजमी देख लो पहले, फिर इस वीडियो को देख लेना पहले। आप लोगों को उसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले से किया है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीट हो चुकी है और अभी हम लोग गेम की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा ट्यूनिंग मोड कैसा चल रहा है। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं। मैं यहाँ से सीधा गेम स्टार्ट कर लेता हूँ अपने लास्ट मिशन से, मैंने सेव करके रखी हुई है गेम। यहाँ से हमारी गेम स्टार्ट हो रही है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या 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 करना है हमें। तो यार ये हमारा गेम जो स्टार्ट हो चुका है, अभी हम लोग सीधा सेफ हाउस से बाहर निकलते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब आपने क्या करना है, अपनी पसंदीदा गाड़ी ले लेनी है, जिसको भी आप ट्यूनिंग कराना चाहते हो या कस्टमाइज कर लो, मॉडिफाई कराना चाहते हो। आपने सबसे पहले अपनी फेवरेट कार ले लेनी है। मैं यहाँ मेन्यू से स्पॉन कर लेता हूँ अपनी कार, व्हीकल स्पॉनिंग में चला जाता हूँ, मैं कार ऑप्शंस में जाता हूँ। यहाँ पर बहुत सी कार हैं, अपनी कोई फेवरेट कार ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन्फर्नस कार बहुत पसंद है, मैं इस कार को ले लेता हूँ और अभी मैं इसको जाकर वहाँ पर मॉडिफाइड कराऊँगा। तो आपने सिंपल मैप खोल लेना है। मैप खोलने के बाद आप मैप को थोड़ा सा जूम आउट करोगे, जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ उस लोकेशन पे आपने चले जाना है और उसके बाद आपने वहाँ पर चले जाना है। ये आप लोगों को मैं लोकेशन बता रहा हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। आप लोग देख सकते हो बीच में जो हमारा आ रहा है कॉमर्स नाम की जो प्लेस है, यहाँ पर जो हम जहाँ पर मैंने माउस किया है ये लोकेशन। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आना है, मैं यहाँ मार्क करके सीधा टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। आप लोग के पढ़ लेना नहीं है तो आप लोकेशन भी आ सकते हैं, मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लेता हूँ अपने आप को, टेलीपोर्ट टू मार्कर, तो मैं टेलीपोर्ट यहाँ हो चुका हूँ। तो अभी मैं सिंपल मोड गैरेज के अंदर चलता हूँ, मोड गैरेज हमारा आ चुका है सिंपली। ये आप लोग देख सकते हो दिखा रहे हैं, मैं अभी इस मार्का पर चल जाऊँगा। मार्का पे जाऊंगा तो जब आप लोग फर्स्ट टाइम इस मोड को ओपन करोगे तो आपको ये इस तरह का कोई रीड मी कह लो या कोई नोटिस दिखाएगा कि आप लोगों ने इसको पढ़ना है। ये 30 सेकंड तक आपके स्क्रीन पे रहेगा, 30 सेकंड बाद ही चला जाएगा और आप लोग अगर इसके बाद दोबारा गैरेज में जाओगे तो दोबारा ये नहीं आएगा। तो आप लोग इसको पढ़ लो और अगर आप लोग
नहीं पढ़ा है तो मोड की जो रीडमी फाइल है उसको भी पढ़ लो, इससे क्या होगा आपको थोड़ी और हेल्पफुल रहेगा मोड का यूज करना। तो हमारे अभी 10 सेकंड रह गए, 9, 8, 7 सेकंड हमारे चल रहे हैं, फिर हम लोग अभी गैरेज के अंदर चले जाएंगे। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ये देखो 2 हो गया, 1 हो गया, 0। तो अभी आप लोग देखो वाई टू कंटिन्यू लिखा आ गया, तो मैं सिंपली वाई प्रेस कर देता हूँ। अब ये मेरे से पूछे कि मैं फर्स्ट टाइम क्या ना मैं ट्यूनिंग मोड इंस्टॉल यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे ट्यूटोरियल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो मैं अभी ट्यूटोरियल नहीं लगाऊंगा, तो मैं सिंपल एन प्रेस कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने ट्यूटोरियल देखना है तो आप लोग वाई प्रेस कर दो। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो मोड है वो आ चुका है, और पीछे देखो सीजे बैठा है आराम से। तो अब आप लोगों ने करना ही है, अब आप लोग जो मर्जी चाहे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे पार्ट सेट करने हैं, तो मैं जनरल में चला जाता हूँ, बॉडी पार्ट में जाके बॉडी पार्ट सेट कर लेता हूँ। ये मैं जाके वाई प्रेस करूंगा, तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारे पार्ट्स आ गए, अलग अलग तरह के स्पॉइलर है, बम्पर है, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, हमें देख सकते हो टायर आ गया बड़ा वाला, बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग चाहे अपनी मर्जी से फिट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी अपनी इस गाड़ी को मॉडिफाइड करूँगा, तो मैं स्पॉइलर से शुरुआत करता हूँ यहाँ पर। ये मैं स्पॉइलर को लेना है, वाई प्रेस कर लिया। तो मैं स्पॉइलर को पहले अपनी कार पर एडजस्ट कर लेता हूँ। मूवमेंट की जो एरो कीज होती है उससे हम लोग अपनी कार में इनको एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पॉइलर को जो अपनी कार पर एडजस्ट करूँगा, और ये पेज डाउन और पेज अप के जरिए आप लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिस तरह आप लोग इसको एडजस्ट करना चाहो आप लोग कर सकते हो। और बाकी देखो आप लोग देख सकते हो साइड में जितने भी इंस्ट्रक्शन है सारे स्क्रीन पे लिखे आ रहे हैं, वो एग्जाम्पल आप सीधा पाओगे तो गाड़ी के सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से लिखे हुए आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। अब मैंने लगा लिया इसको, तो मैं वाई प्रेस करता हूँ। स्पॉइलर जो है हमारा सही हो सेट हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ इतना सही नहीं लग रहा, तो मैं दूसरा लगाऊंगा। मैं बैक चला जाता हूँ, कुछ अच्छा था ये, कुछ अच्छा मुझे लग रहा है तो मैं ये लगाऊंगा। वाई प्रेस कर लेता हूँ मैं भी, मैं भी इसको एडजस्ट करूंगा अपनी गाड़ी के ऊपर अच्छे तरीके से, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, काफी ज्यादा ही ऊपर हुआ है। ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया, मैं वाई प्रेस करूंगा और इंस्टॉल दिस पार्ट पे भी वाई प्रेस करूंगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरी गाड़ी में पीछे स्पॉइलर हो चुका है, मैं बैक चला जाता हूँ। इसके अलावा आप लोग दरवाजे भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने हुड चेंज करनी है, हुड पे चले जाओ, हुड पे कोई पार्ट लगाना है आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये क्या है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें मैं दी, मैं आपको हुड पे लगा के दिखाता हूँ मुझे क्या लगाना है। बहुत सारे हमें ऑटो पार्ट दिए हैं जो भी हम चाहे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो मैं वाई प्रेस करता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा आगे करके। यहाँ इसको मैंने एडजस्ट कर लिया, और थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ हाइट इसकी सही है। आप पेज अप और पेज डाउन का बटन से आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया पहले से, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और अब मैं दबा देता हूँ सिंपल कीबोर्ड पे वाई, वाई दोबारा दबाऊंगा इंस्टॉल दिस पार्ट करके। तो आप लोग देख सकते हो मैंने हुड पे भी लगा लिया, और कस्टमाइजेशन भी हम लोग करते हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। व्हील्स आ जाते हैं, हम लोग व्हील्स अपने एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग फ्रंट राइट व्हील को चेंज करते हैं, तो हम लोग व्हील ढूंढ लेते हैं यहाँ पर व्हील का है। ये देख सकते हो आप लोग बहुत सारी हमें चीजें दी गई, हम कुछ भी लगा सकते हैं अपनी गाड़ी में। सेंट रियाज में जितना भी कचरा है ना टोटली हम सब कुछ लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एक अच्छी सी और फनी सी चीज लगा के दिखाऊंगा, जिसे देखिए आप लोग को मजा आ जाएगा। ये हमारी बियर की बोतल है, और अभी हम लोग इसको अपनी कार में एडजस्ट करने वाले हैं। अबे ये व्हील पे आ गए, पहले व्हील का देख लेता हूँ। यहाँ पर अब हमें सारे व्हील्स देखने को मिलेंगे, अब जो चाहे हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डॉलर वाला व्हील देख लेता हूँ, बाय दबाता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे। हाँ ऐसे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है बिल्कुल अपने हिसाब से, आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो ऊपर नीचे भी।
हो गया, मैं वाई प्रेस करता हूँ तो ये देखो हमारा लग चुका। अब ये व्हील अभी मुझसे पूछे कि मैं कहाँ लगाना चाहता हूँ, सिर्फ इस साइड पे लगाना चाहता हूँ या इसके अपोजिट लगाना चाहता हूँ या चारों व्हील चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ ओनली हेयर कर देता हूँ, ओनली हेयर। अब ये मुझसे पूछे कि मैं अपना ओरिजिनल व्हील हाइड कर दूंगा क्योंकि मैंने नया व्हील लगाया है, तो ऑफकोर्स अपना ओरिजिनल व्हील हाइड कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो मेरा एक व्हील जो है चेंज हो चुका है। अब हम लोग फिर बैग आते हैं और कुछ अच्छी चीज कस्टमाइजेशन करते हैं। जनरल में बम्पर्स का आ रहा है, आप लोग देख सकते हो सारा कुछ आ रहा है। कार की जो बिल्कुल ऊपर की साइड होती है ना, हम लोग बिल्कुल उसको चेंज करेंगे, ये बॉडी को। अभी मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और बड़ा इंतजार नहीं हो रहा है, मैं काफी अच्छी चीज लगाने लगा। वीडियो छोड़ के मत जाना, देखता जरूर। ये देखो हम पूरी की पूरी गाड़ी भी लगा सकते हैं। अब ये चीज है, हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये देखो क्रेट्स दिए हैं, क्रेट। और हम लोग देखते हैं आगे बढ़ बढ़ के क्या क्या चीजें हैं। ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे शॉप की पैंट्स हैं, तो हमें अभी इसे लगा लेंगे, मजा आएगा थोड़ा। इसको हम लोग अभी एडजस्ट करेंगे, अभी अपनी पैंट को थोड़ा सा आगे जाते हैं और ये ऊपर करके यहाँ से बिल्कुल हाइट को देख लेना, ये ऊपर नहीं है, करके हम लोग वाइब्रेस कर देते हैं। ये हमारी जो है पैंट लग चुकी है गाड़ी के ऊपर। अब और चीजें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये देख सकते हो पहले हम लोग, ये देखो डैग भी दिया हुआ है, डैग लगा सकते हैं, लेकिन इस कार का जो बोनट है वो शायद शायद से ओपन नहीं होता, मुझे पता नहीं है, फिर हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन ज्यादा मुझे लगता है बोनट नहीं होना था, तो उसके हम डैग भी लगा देंगे। इसके अलावा देखो काफी सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आप अपने उस पर टीवी भी लगा सकते हैं। अभी हम लोग लगाने लगे टीवी, बिल्कुल बिल्कुल सही से सुना आप लोगों ने, वाई प्रेस करा मैंने पीछे, कंट्रोल दबाए रखोगे तो आप लोग इसको रोटेट कर सकते हो। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो जैसे रोटेट मैं कर रहा हूँ, आप लोग इस तरह रोटेट कर सकते हो। पेज अप से मैंने इसको स्पिन कर दिया, हाँ इस तरफ घुमा कर अब मैं इसको आगे ले आऊंगा। शिफ्ट दबाओगे तो फास्ट तरीके से आगे आएगा, आगे ले आने के बाद मैं इसको नीचे कर देता, हाँ नीचे कर दिया मैंने बिल्कुल। आप लोग देख सकते हो टीवी लगा हुआ है हमारा फूल के ऊपर कार की, बाहर दबा दिया एडजस्ट हो गया टीवी। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, आप लोग अपने तरीके से भी अपनी कार को मॉडिफाई कर सकते हो जैसा आप लोग चाहते हो। मशीन गन अगर आप लोग चाहो उसको भी फिट कर लो, काफी अच्छी लगेगी ये वैसे कार के ऊपर। बॉम्ब आ गया, ये देखो काफी चीजें। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कार को जो कस्टमाइज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करो, चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं चैनल पर ट्यूटोरियल वीडियो आती रहती हूँ। और आपको जिस मोड में भी हेल्प चाहिए आप मुझे जरूर से बताओ, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस ट्यूनिंग मोड के हर एक फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।